अगर आप MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2021 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 22 मई को होने वाला है, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप। हेलो, वेलकम अगेन, माय नेम इज आयुष पाटीदार, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं MPPBSE के हमारे सब इंजीनियर की 2022 के पोस्ट के बारे में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है हमारी PEB के वेबसाइट के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं दी गई और नहीं दी भी जाती है, मगर वो लोग एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों को ये सिलेबस मालूम होना चाहिए। जैसे कि कई लोगों ने हमारे पिन कमेंट में बात करी इसके प्रीवियस वीडियो में कि क्या आपके बीटेक के बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने हमारे जब नोटिफिकेशन निकाला तो उन्होंने लिखा है न्यूनतम एलिजिबिलिटी आपकी जो होना चाहिए वो 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इट मीन्स डिप्लोमा के ऊपर के कितने भी आपके डिग्रीज हैं, चाहे वो बीटेक की डिग्री हो या मास्टर्स की डिग्री हो, यू आर एलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम। जहाँ तक हम लोग बात करें इस एग्ज़ाम के बारे में, एज ए डिप्लोमा होल्डर हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी, ये वो 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आपके डिप्लोमा आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। मगर क्योंकि हमारे PEB को भी मालूम है कि जो एग्ज़ाम है आपके बीटेक और मास्टर्स होल्डर जो बच्चे देते हैं, तो दे विल हमारे सिलेबस को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पर उन्होंने एक एडिशनल टॉपिक डालते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। 17-18 के एग्ज़ाम्स के अंदर इसमें से कुछ 2-4 आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस कारण कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा डिफ़िकल्टी मिलती है। हम लोग बात करें कि पेपर पैटर्न कैसा होता है हमारे किसी PEB व्यापम के अंदर। कई लोग कहते हैं कि सर वो क्या करते हैं कि कुछ 1000-10000 क्वेश्चन होते हैं और कुछ ना कुछ करके पेपर बना दिया जाता है। हाँ, कुछ ऐसा होता होगा, मगर एक ये बात भी सच्चाई है कि हम जो पेपर पढ़ते हैं एज ए बीटेक होल्डर के रूप में, जो हम पढ़ाई करते हैं, इट विल बी मोर टफर देन डिप्लोमा होल्डर। वहाँ जो पढ़ाई करी जाती, इट विल बी बेसिकली टारगेटिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो हम लोग जब तैयारी करें एज ए बीटेक होल्डर के, हम जो बात करने वाला हूँ मैं अभी, और डिप्लोमा के होल्डर की बात में अभी थोड़ी देर से करूँगा। एज ए बीटेक होल्डर हम लोग जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, तो हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं। वी विल टॉकिंग अबाउट कि हम ESE जैसे MPEB के एग्ज़ाम की तैयारी है, तो वी हम डिटेल बात करना स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो मगर हम इस तरह के एग्ज़ाम में वो डिटेल एनालिसिस नहीं जाते हैं। हम लोग बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लें आप लोगों के सामने, कि हम माइक्रो कंट्रोलर की बात लें, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन का आपका पर्टिकुलरली इक्वेशंस क्या होगी, तो GAE आपका पर्टिकुलर सिंबलाइज होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ऐसे ही आपके DC मशीन्स के अंदर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यूजिंग योर वॉल नियोनॉड मैटर एंड अदर थिंग्स। हम लोग जहाँ तक बात करें कि व्यापम आपसे चाहता क्या है, किस तरह की तैयारी की आकांक्षा रखता है आपसे व्यापम, तो व्यापम आपसे आकांक्षा रखता है, जैसे हम लोग बात करें पावर सिस्टम के बारे में, तो पावर सिस्टम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जहाँ पर कि हम लोग पावर सिस्टम 1 में हम बात करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के एनालिसिस की, हम लोग वहाँ बात करते हैं केबल्स के एनालिसिस के बारे में, हम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल के एनालिसिस की बात करते हैं, मगर जब हम लोग व्यापम की तैयारी के अंदर बात करते हैं, ये सब चीज़ें पीछे छुड़ी आती है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, वी डज नॉट इंडल्ज पावर सिस्टम 1। हम पावर सिस्टम 1 में कहाँ इंडल्ज करते हैं, तो कैपेसिटर्स के जहाँ पर अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे, ट्रांसमिशन लाइन आपके ट्रांसमिशन लाइन के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपके पर्टिकुलरली टावर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वहाँ हम इंडल्ज होते हैं हमारे PEB व्यापम की तैयारी के अंदर। जहाँ तक बात करें हमारे प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन भी हमारा वन ऑफ द सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम के अंदर जो इंक्लूडेड होता है, वहाँ हमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ओवर प्रोटेक्शन रिले के बारे में पूछा जाता है, बकोल्स रिले के बारे में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जहाँ तक हम बात करें पावर सिस्टम 2 की, जहाँ पर हम बात करते हैं पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल की बात करी जाती है आपकी, इट मीन्स वहाँ पर आपको स्विंग इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूटन ऑप्शन, जो आप एज्यूम करते हो ये क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए एज ए बीटेक होल्डर के रूप में, मगर जहाँ तक हम बात करें पावर सिस्टम 2 की, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं।
क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड होती है फॉर द डिप्लोमा होल्डर, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी वो है आपकी। हम ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आपको जानकारी दे दी जो हमारे बेसिक्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें स्पेशल मशीन्स के, हमारी सारी स्टेपर्स मोटर्स हो गई, हमारी BLDC मोटर्स हो गई, इनके बारे में आपको जानकारी ज़्यादा रखना है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और जानकारी के लिए हम बात करें हमारी नेविगेट की ऐप है, हमारी नेविगेट प्राइम ऐप है, जो कि आप लोग जा सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से और डाउनलोड कर सकते हैं। हम हमारे जो कोर्स है PAB व्यापम का, उसे 8 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इस पर्टिकुलर सारे सिलेबस को पूरा कवर अप करेंगे और बात करेंगे किस तरह हमारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के अंदर BH मेजरमेंट की बात करते आते हैं, हम बात करें मैग्नेटिक मेजरमेंट की बात करें, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पूछे जाते हैं। अब थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव में बात करें कि ये तो सारे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा क्या कोई एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल तो दिया नहीं है, तो क्या इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है जो पूछा जा सकता है? तो मेरे माने तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, और ना भी करें तो इतनी बुराई भी नहीं है, हम पढ़ लें तो अच्छी बात है, जैसे सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। मुझे लगता है दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच गए, और मुझे जहाँ तक 90% आशंका लगती है कि वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा के अंदर नहीं होते, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी वही होती है आपकी। अब हम बात करें आपके अलग अलग आपकी जो भर्ती आई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके बारे में बात करें, क्योंकि आपके 200 मार्क्स का टोटल पेपर है, जहां पर कि 100 आपके क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वो बेसिकली नॉन टेक्निकल के होंगे और 100 आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपके पर्टिकुलरली 7 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का GK हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस का GK हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, वैसे ही आपका GK जो जनरल आपका जो जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है, वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जहाँ तक हम बात करें हमारी भर्ती के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर कई लोग आश्वस्त करते हैं कि 1000 करीब पोस्ट हैं, तो मैं आज हम लेके आए हैं कि किस तरह से भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट में पूछी गई है। इसका सबसे बड़ा इस PEV की भर्ती का आज के तारीख में जो फ़ायदा है वो ये है कि इन्होंने, जैसे हम पिछली बार की पहले की वीडियो में भी आपसे कहते आए थे कि हमारी MPB की जितनी भी भर्ती जो पहले अलग अलग हमारी होती थी, वो इस बार हम लोगों ने MPB की सारी भर्तियों को हमने एक साथ होते हुए देखा है, चाहे वो हम जनरेशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या फिर हमारे पर्टिकुलर ट्रांसमिशन की बात करें। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको एक डिपार्टमेंट दिख रहा है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग का, जहां पर कि मैंने इस पर्टिकुलर भर्ती को 3 भागों में बांटा है। पहली भर्ती डायरेक्ट भर्ती, जो आप लोग हम जैसे जो फ्रेशर्स बच्चे हैं या फिर जो बच्चे डायरेक्टली BTech हुए हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए सीधी भर्ती है। संविदा भर्ती वो है जो पहले से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं मगर जो टेम्प्रेरी रूप से, उनके लिए पर्टिकुलर ये पोस्ट है आपकी, रिजर्वेशन के नाम पे है, 5 पोस्ट जो भी, 1 पोस्ट जो भी यहाँ पर आपको दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर उप यंत्री 20 संविदा भर्ती है, इट मीन्स आपके ऐसे उप यंत्री जो कि वहाँ पर हैं, ठीक है, और आपने अपग्रेडेशन करना चाहते हैं कहीं और डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पर उनके लिए 20% संविदा की भर्ती दी गई है उनके नाम के ऊपर। तो बात करें हमारे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग के अंदर, तो आपकी यहाँ पर करीब 1 भर्ती है डायरेक्ट भर्ती है। इसके अलावा हम लोग बात करें गृह निर्माण के अंदर 10 भर्ती है हमारी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल के लिए, लोक निर्माण के अंदर 47, सबसे ज़्यादा हमारे जो भर्ती है, जैसे कि मैं आपको बताया भी है, MPPSC AE के अंदर भी हमारी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो जल संसाधन विभाग ने ही निकाली है, ठीक है, क्योंकि 34 पोस्ट उसी के नाम से हुई है, तो जल संसाधन विभाग ने भी यहाँ पर बम्पर भर्ती करी है आपके इस पर्टिकुलर PEB सब इंजीनियर के अंदर, जो कि टोटल 128 पोस्ट निकाली उन्होंने डायरेक्ट भर्ती के रूप में। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग 45 है। इसके अलावा अलग अलग न, क्योंकि हम लोग जब सब इंजीनियर की बात करें तो अलग अलग नगर निगम के अंदर भी हमें सब इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जैसे हमारे अलग अलग जैसे नगर निगम हो गया भोपाल, सिंगरौली, सागर, बुरहानपुर, सतना, छिंदवाड़ा, इंदौर, मुरैना, रतलाम, यहाँ पर एक एक दो दो भर्तियाँ करी गई है। और एक और भर्ती जिसको बोलते हैं मुख्य अभियंता, जो कि अब भोपाल के अंदर मिलेगी, जिसकी करीब 45 पोस्ट हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं और अच्छी पोस्ट है, जिसे हमें देखना चाहिए।
इसके अलावा जैसे आपको मैंने कहा कि हमारी जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, जेई की पोस्ट है, जो कि इंडिविजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट पहले निकालता था, अलग अलग पूर्व पश्चिम मध्य अलग अलग निकालते थे, अभी अलग अलग ना निकालते हुए ये इन लोगों ने पीबी के अंदर से ही भर्ती देना स्टार्ट करी गई है। तो यहाँ भर्ती की बात करें तो हमारी MPPML की जो मैनेजमेंट हमारी लिमिटेड होती है जबलपुर का, वहाँ पर उन्होंने कोई भी भर्ती नहीं निकाली हमारी इलेक्ट्रिकल के लिए। हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर विभाग, जो कि हमारा पश्चिम विभाग हम कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हम बात करें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 135 पोस्ट निकाली है इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर भी सबदूर आपको एक ही वर्ड दिखा जाएगा, न्यूनतम योग्यता आपकी 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इट मीन्स आपके बीटेक होल्डर्स या बी होल्डर्स या मास्टर्स होल्डर्स भी इन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें हमारे जबलपुर जो कि पूर्व विभाग हम लोग कहते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ पर 94 पोस्ट है। इसके अलावा हमारा मध्य क्षेत्र बोले तो भोपाल, वहाँ पर 137 पोस्ट है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है भोपाल की तरफ से। और क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम होगा 16-17 के बाद आज इतने दिनों बाद MPB के ना भर्ती निकाली है, तो बहुत ज़्यादा बम्पर भर्ती आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। हम लोग हमारी ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें जबलपुर की, तो वहाँ पर उन्होंने 43 भर्ती निकाली है। बार बार हमें एक और जहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो हमारा है जबलपुर का, वहाँ पर उन्होंने 55 पोस्ट EC और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए निकाली है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है नेविगेट के पिंक कमेंट के ना, क्या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पर आपकी एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल में निकाली गई है, जो कि आपकी इस पर्टिकुलर सब इंजीनियर के अंदर आप जनरेशन लिमिटेड के अंदर पोस्ट आप भर सकते हो, जहाँ पर आपका 55 पोस्ट ही EC बच्चों के लिए भी ही दी गई है। तो आप जाके नोटिफिकेशन चेक करें और आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करें। और तैयारी के लिए हम नेविगेट प्राइम ऐप पे मिलने वाले हैं 8 अप्रैल से, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल दैट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।